मेरा नाम भोला कुमार हुआ, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, इसी बार अति पास गया हूँ। और मैं आपका वीडियो सर थोड़ा नज़दीक में रखा, आपका वीडियो 2-3 महीना से रेगुलर देख रहा था। मैं पहले यहाँ क्या कहता है, यहाँ जाने वाले थे, गोपाल सर है ना, उन्हीं के यहाँ जाने वाले थे PLC वायरिंग करने सीखने के लिए। तो उसके बाद आपका वीडियो देखे, तो देखने के बाद लगा कि वहाँ कुछ PLC का वायरिंग करने के लिए और सब सिखाते हैं, तो मुझे लगा कि वहाँ जाना एक अच्छा बेटर रहेगा, तो मैं आने गया। तो क्या किया हुआ आपने? डिप्लोमा है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का माइंड में रहता है कि डिप्लोमा किया था, PLC कर लूँ यार, बहुत स्कोप है ऑटोमेशन में, ये है वो है। ये पूरी सच्चाई नहीं है भाई। अगर आप PLC में या किसी सिस्टम में आप जा रहे हो भाई, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या सर्किट्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आपको एक टेक्निकल की एक अच्छी नॉलेज आपको होने चाहिए। आपने एक अच्छी नॉलेज ले ली, 2-4 महीने जॉब कर लिया, फिर हम बोलते हैं ठीक है आप सीखना चाहते हो PLC सीखो यार, क्योंकि स्किल एड ऑन होता है, दैट इज़ ओके। बट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी है ना, जो PLC वाले हैं, कृष्णा ठीक है, बट वो भी जो प्लेसमेंट में दिक्कत होती है, जो प्लेसमेंट कहीं मिल भी जाती है, एक लिमिटेड मिला है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बंदे का ना वो चीज़ें अटक जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि PLC नहीं सीखना है, PLC सीखना है, बट जब समय आ जाएगा ना, जब सीखना है, पहले हमें अपना टेक्निकल स्किल है उसको बेटर करना है, पहले टेक्निकल सिस्टम समझना है क्या है, जैसे PLC लगेगी कहाँ लगेगी, कैसे लग सकती है, क्या हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले जो आपके पिछले बैच वाले बच्चे हैं, तो मैं उनको रिले लॉजिक में कुछ उनको काम दिया, भाई मुझे ऐसे ऐसे बना के दो जी, कि जैसे लाइट जाते ही जनरेटर अपने आप चल जाता है, एक PLC सिस्टम पूरा बनाते हैं। कल उन्होंने बोला सर हम इस तरह का था, मैं वो तुम वैसे बनाओ, बिना PLC बना के देखो उसको कैसे बन सकता है, चलो लॉजिक कैसे काम करता है, तो लॉजिक कैसे काम करता है, तो वो चीज़ें हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो हमारे लिए बेटर है। देखो हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी आए हैं, इसीलिए आए ना कि यार कहीं अच्छी ग्रोथ मिलेगी, कहीं अच्छा सब मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, और सिस्टमेटिक ढंग से मिलेंगी। हम आपको बिल्कुल राइट गाइड करेंगे, भाई अब ये कर ले तू, अब ये कर ले, अब ये करने का फ़ायदा है। ठीक है, PLC अपने पास में भी है, सिर्फ 4,000 रुपये में हम PLC सिखाते हैं, कोई नहीं सिखाता 4,000 रुपये में PLC। ठीक है, और जितना लोग सिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग सिखाते हैं PLC, स्काडा, HMI, ड्राइव, सिर्फ 4,000 रुपये में। फ्री में भी सिखाते हैं हम, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन चैनल है अपना, सब्सक्राइब किया है सब लोगों ने? जी सर, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन है, उसको सब्सक्राइब करो, देखो PLC में कैसे होता है, क्या होता है लेडर लॉजिक, क्या कुछ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ोगे आप। तो मैं तो कहता हूँ पहले फ्री में देख के देखो, समझो, अगर आपको लगता है अच्छा है तो फिर देखो, आपको जहाँ भी ज्वाइन करना है हमारे पास, या जहाँ भी आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ आने का जो डिसीजन लिया, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव था, नहीं क्या होता है आप कर लेते 2-4-6 महीने इधर उधर भटकते, तो वो टाइम आपका वेस्ट होता। ठीक है, ऑटोमेशन जी वही सोच के आया सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो आप सोच के आए हैं वो डेफिनेटली हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं सर इससे पहले आने वाला थे, तो मेरा प्रॉब्लम हो गया था, चेस्ट प्रॉब्लम है, हार्ट इशू का, ग्लूकोज का, आज नाइट में ही भी दर्द हो रहा था, आज सुबह भी है, आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो मैं सोचा था कि डॉक्टर से बात कर लूँ, और बात करने के लिए डॉक्टर बोला था कि आपको अभी कहीं नहीं जाना है 2-3 महीना। मैं अपने मर्जी से आया था, घर पे घर वाला भी बोले थे कि अभी नहीं जाओ कहीं, तो डॉक्टर से बात भी अभी नहीं किया है, और बात करके फिर रहना है, और डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं क्या उसको। नहीं देखो, कई बार क्या होता है ना, डॉक्टरों की बातों में माननी चाहिए। देखो ये चीज़ें हम सीख लेंगे, अगर हमें लग रहा है हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है कि भाई अभी हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो मेरे हिसाब से हमें रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी देखो सब अच्छा चलता है, उनसे मेडिसिन्स ले लो, जो भी कुछ है ऑलरेडी है वो चल रहा है। यहाँ कुछ हार्ड वर्क नहीं करना है, पहली चीज़ तो आपको, हम हार्ड वर्क कुछ ऐसा कराते नहीं है कि आपको कुछ उस तरह करना, बेसिक चीज़ें हैं, बैठ के करना है, तो जिस हिसाब से अगर डॉक्टर ने आपको बताया है ज़्यादा रेस्ट करने को, तो उससे थोड़ा सा फोकस करना है उनकी चीज़ों पर। उनसे बात ही भैया बोले थे कि उनसे बात कर लो एक बार, हाँ। आज सुबह 10 बजे तो रेडी उडी हो गए यहाँ चले आए थे, तो आज अभी जाएंगे ऊपर तो बात करेंगे, डॉक्टर हाँ। साहब क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल फिर ऑफिस में आकर सबसे बात बिल्कुल मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ डेफिनेटली पूरी होंगी, और अपने डॉक्टर से ज़रूर चला लो,
एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।